चाबी ले तू माड़ा गल उसमें था यार। बस फिर सडनली सा काम बन गए एकदम ही, वो कुछ एक ऊपर थे कुछ एक नीचे थे, सजा टूटना तर सारे के सारे, कोई दब गया कोई और, फिर सबने लाग लूट करना निकालने रास्ते रुकती जाते, जिसमें तीन चार एक तो कैमरामैन ज्यादा घायल है, एक जो दुल्हन की मम्मी थी वह ज्यादा सीरियस है, उसकी चाची है, तीन चार मेंबर तो ज्यादा ही घायल है भाई। बाकी आप कंडीशन देखो जिस तरह, ये सवेरे छुट्टी दे दी थी, आए थे सुबह 3-3 बजे ही आए थे, दोबारा बुलाए हैं भी इनका, मतलब सिटी स्कैन होना बाकी रह गया था, कल संडे था इस वजह से मतलब डॉक्टर भी पूरे खुल गए, इनमें तो 7-8 मेंबर तो रोहतक पीजे रेफर कर रखे हैं, और ये 18-20 हैं अपने उड़े अपने सरकारी में, इसमें से कुछ हरा का छुट्टी मिल गई थी जो दोबारा रिटर्न में बुलाए थे, अब जा रहे हैं देखो क्या ट्रीटमेंट होगा, कहीं कहीं कन्फर्म होगा क्या है क्या नहीं। बाकी गाँव वालों का पूरा सहारा था, बस सारा किसी व्यवस्था दिखी है, सबने अपना उस तरह का प्रोग्राम करा था और सारे ही बहुत बढ़िया करना था, इस दुखी घड़ी में सबका साथ दिया भाई। शुक्र मान ले भाई, रिलेशन रिश्तेदारी में तारे थे, कोई बाहर का तो कोई भीतर का था, एक दो तो अपने सब ने अपना इच्छा करा भाई, सारे के सारे अपने बस जल्दी जल्दी मेडिकल में पहुँचा जा रहा, सबसे पहले तो फर्स्ट एड करवाई गई थी, उसके बाद फिर फाइंड गया था कोई छोटा बच्चा तो नहीं नीचे भाई, मैं तब क्या हुई टिका था गिर गई थी उसके ऊपर। बाकी आप आगे दृश्य देख लियो, दृश्य देखने के बाद अपना पता भी लग जाएगा। कोई जो बोलना चाहे बोल दो भाई, ऐसे ऐसे दुखा का समय चला हुआ था, आज चलो भाई थोड़ी थोड़ी चुकी सर, कुछ छज्जा के नीचे खड़े थे सारे, छज्जा के नीचे खड़े थे जैसे सारे, वो सारे घायल हो रहे थे। अच्छा उमक अरे जीते दादा लान देख पर रही खाते जनो ठीक बैठ जाए आराम से जो घायल थे वो अपने घर जा रहे हैं, किस प्रकार के हालात हैं वहीं बड़े खटखड़ में पहुंचे हैं, आज जानते हैं लोगों से कि कैसे हादसा हुआ, किस प्रकार से हादसा हुआ है। तो आपकी लड़की की शादी थी? हाँ, शादी थी कल। कल अच्छा, बारात किस समय आई थी? बारात आई थी 1:45 बजे, करीब 1:30-2 बजे ही। अच्छा जी, 2 बजे में हमें उसकी बात और डुका हुआ नहीं, अपनी डुका के लिए तैयारी करी थी। अच्छा जी, बस डुका के लिए जो बच्चे आने लग गए ऊपर, मैं बर्जा ऊपर रह गए डुका में तैयार हो रहे थे, बैग से त्यो बर्जा
गिर गया। बर्जा जो था, जो छज्जा था वो कैसा था पहले, जर्जर हालत में था या वैसी? मतलब पक्का बर्जा, लेंटर है। अच्छा, नहीं एक तो पहले बनाया, पहले पुराना हो, एक नया बनाया? नहीं, बाद में बनाया था, मकान पुराना था, बर्जा बाद में गिरा था खंड पे। अच्छा जी। हाँ, मकान तो 87 का बनाया था। ज्यादा वजन हो गया उस पर? हाँ, उस पर 6 बजे तो ज्यादा वजन की वजह से वैसे डर हो गए, फेरे फारे देखने डुकावा बच्चे हो जाए इकट्ठे, लड़की लड़की ने कही थी। अच्छा, तो बराती भी थे उसमें शामिल जो घायल हुए? बराती एक सिर्फ वो था जो अपना फोटो ले, फोटोग्राफर। हाँ, अच्छा, बाकी सारे ने मारे परिवार था। अच्छा, कितने के लोग घायल हुए? घायल हुए हैं 26-27 आदमी हैं। अच्छा, जनानी भी बच्चे भी आ गए। अच्छा, परिवार के है कोई रिश्तेदार? परिवार के हैं सारे। अच्छा, ये जो है आपके रिश्तेदार में था? रिश्तेदारी में कोने सारे लड़की, मतलब अपने छोरियां कर जनानियां ज्यादा तोड़ते हैं, मनस्ते सिर्फ एक पत्र का। कोई ज्यादा गंभीर भी है? गंभीर से। अच्छा जी। हाँ, जो रोहतक पीजीआई में सबसे ज्यादा गंभीर है, मेरी काकी है तीनों, मैं तीनों ज्यादा गंभीर है। तो शादी तो समय पर हो चुकी थी? कल शादी नहीं हुई, बस शादी तो होने रह गई। अच्छा, जो मतलब डुका होने शुरू में डुका यहाँ पे डुका है टाइम मिल जाएगी, शादी तो नहीं में रह ली। सारे घायल हो रहे थे। अच्छा, मकान किसका था जो छज्जा? किसका था? अपना ही था मकान। अच्छा अच्छा, मकान की देख लो। चलो अभी दिखाएंगे। फिलहाल जो घायल है उनसे बातचीत करना चाहेंगे। फिर तो बरात को तो बुलाई रख, बस सडनली ऐसा हुआ कि जिस टाइम हमें फेरों की तैयारी करवा रहे थे, रिबन रबन कटने की बारी आ रही थी, तो लेडीज अपने रिबन को लेकर तैयार बैठी थी, साथ में इस तरफ से दूल्हा आ रहा था। सडनली ऐसा हुआ कि एकदम ही अचानक एकदम दरवाज़ा गिर गया ऊपर से, लेंटर के गिरने से। उस टाइम मौके पर जो बना, जिससे वो सारा कुछ इकट्ठा किया सबको, कुछ बराती गाड़ियाँ थी, कुछ गाँव में से गाड़ियाँ बुलाकर पेशेंटों को अपने मेडिकल में फर्स्ट एड के लिए भेजा गया। इनमें से कुछ एक सीरियस भी हैं, एक तो अपना पत्रकार है सूर्यो, फोटोग्राफर है जो जनहित में हुआ था, वो ज़्यादा ही कंडीशन में सीरियस है, बहुत ही अच्छा। एक हमारे यहाँ आता है, 3-4 लेडीज हैं जो रोहतक रेफर कर रखी हैं, और एक हमारे भाई हैं जितना, इसकी 2 बड़ी लड़कियां हैं जो आंसी रेफर करके प्राइवेट हॉस्पिटल में। तो भाई ये जो घायल है आप देख रहे, एक तो संडे था इस पर डॉक्टर कम थे वहाँ पे। अच्छा, इनका सीटी स्कैन होना बाकी रह गया था, और आज कल तो फर्स्ट एड ही कराई गई थी, आज देखो भी इनका मतलब क्या रिपोर्ट आई क्या ना आएगी उसके बारे में आज पता लगेगा। मेन कारण तो जी गरीबी है। अच्छा जी, क्योंकि मकान की हालत थोड़ी सी वीक है, और सडनली उसके ऊपर वेट आ गया, आपको पता है सारी इकट्ठी होती है, और बोलिया भी गया था, बस सडनली जैसा बोलिया इतनी देर में तो गिर ही गया उसके ऊपर।